सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगरबत्ती में बांस होता है और बांस हमारे यहाँ नहीं जलाते, हमारे यहाँ बांस को वंश मानते हैं। हिंदू धर्म में हमारे यहाँ बांस की पूजा होती है, हमारे यहाँ बांस नहीं जलाया करते। अर्थी बनती है बांस की, शमशान में ले जाके उसे तोड़कर फेंक दिया जाता है, उसको जलाया नहीं जाता चिता में, क्योंकि बांस वंश होता है, वंश नहीं जलाना चाहिए। ये तो हमारा अध्यात्म सब्जेक्ट है। साइंस कहता है कि बांस को जलाने से सबसे खतरनाक गैस निकलती है, जो कि प्रकृति के लिए नुकसानदायक है, जो कि प्रदूषण हम सामान्य भाषा में कहें। उसका धुआं अच्छा नहीं होता, कंडे का धुआं, गाय का जो गोबर है, उस गोबर से जो कंडे ओपले हम बनाते हैं, वो जो धुआं होता है, वो धुआं प्रकृति के लिए फायदेमंद होता है, उससे नुकसान नहीं होता। आपको पता है गाय के गोबर के बने कंडे प्रकृति के लिए फायदा करने वाले हैं। कुछ लकड़ियां जलती हैं, जैसे आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, इसलिए इनको हवन कुंडों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका भी एक साइंस, कितना गहरा साइंस है। कहते हैं आम की लकड़ियां जलाने से, पीपल की लकड़ियां जलाने से शुद्ध वातावरण होता, वातावरण शुद्ध होता है। एक तोला घी जलाने से एक टन ऑक्सीजन रिलीज होती है, एक तोला घी से एक टन ऑक्सीजन। इसलिए हमारे ऋषि मुनि घी की आहुति दिया करते थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बांस का कहीं जलाने का विधान नहीं है। तुम क्या जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, धूपम समर्पयामि, धूप। हम लोग गाते हैं धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, धूप से दीप से पूजा हो, अगरबत्ती नहीं, नुकसानदायक है सब प्रकार से। लोग नहीं जानते, हमारे सनातन धर्म में लोग नहीं समझते चीजों को, बिना समझे सब चलता रहता। दो अगरबत्ती लगाना भगवान की पूजा नहीं है। अरे भाई, स्नान करके सबसे पहले आप कपड़े पहनिए, कपड़े पहनकर शुद्ध जल तांबे के बर्तन में लीजिए, लोटा में जल डालिए। जल में केवल जल नहीं, यदि आपके पति पत्नी में खटास है तो पानी को मीठा कर लीजिए गुड़ डालकर। यदि आपका कारोबार नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहे हैं, तो उस पानी में कुमकुम डाल दीजिए, लाल कर लीजिए उसे, रंगीन कर लीजिए उसे, कुमकुम रोली या फिर केसर, ये डालकर, दो पत्ती केसर के डालकर, और फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। कुछ ना आवे तो सूर्याय नमः बारह बार बोल दो, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। और खड़े खड़े सात परिक्रमा लगा लो, सूर्य भगवान की सात परिक्रमा लगती हैं, सात बार वहीं पर घूम जाओ। ये भाव से कि हम सूर्य भगवान की सात प्रदक्षिणा कर रहे हैं, ऐसा सूर्य भगवान का पहला प्रणाम होना चाहिए। उसके बाद आपके घर में जो ठाकुर जी हैं, जो भी लड्डू गोपाल, जो भी आपका घर में मंदिर है, वहाँ बैठ कर बड़ी श्रद्धा से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। जिनके घर में रोज सुंदरकांड का पाठ होता है, मैं इस बात का गवाह हूँ। हमने अपने जीवन में, हमने बाल्यकाल से, छोटी सी आयु से ही हमने खूब सुंदरकांड का पाठ किया है। हमें तो पूरा याद हो गया था, हम तो 15 मिनट में पूरा सुंदरकांड पाठ कर लेते हैं, इतनी स्पीड हो गई थी, है ना। अब समय अभाव में हम तो नारायण कवच का पाठ नित्य करते ही हैं, परंतु जो हमारी पूजा पाठ है वो हम करते हैं। सुंदरकांड का पाठ हमने कई सालों तक रेगुलर खूब किया। आज भी कोई सुंदरकांड का पाठ करे तो उसके संग संग मैं बोल लेता हूं, याद है कुल मिला के, ये समझो। तो सुंदरकांड, जिनके जीवन में सुंदरकांड का पाठ है, उनके जीवन को हमेशा आप ये मानो कि उनका जीवन सदा सुंदर ही होगा। समय निकाल कर आधा घंटा लगेगा, पहले शुरू शुरू में आपको 45 मिनट लगेगा सुंदरकांड के पाठ में, पहले 45 मिनट लगेगा, फिर आप एक महीने तक करेंगे तो स्पीड बन जाएगी, फिर आप 30 से 35 मिनट में पाठ पूरा कर लोगे, और स्पीड हो जाएगी तो आप 20 मिनट में पाठ पूरा कर लेंगे। तो 20 मिनट निकाल लो आराम से,
सुंदर कांड जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, खूब करो। और भगवान सुंदर का ऐसा कोई सवाल नहीं है, पूरी रामचरितमानस तो छोड़ ही दीजिए, कोई सवाल ऐसा नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर गंभीरता से देखा जाए तो सुंदर कांड में हर प्रश्न का उत्तर है। सुंदर कांड सुंदर ही सुंदर करने वाला कांड है। इसलिए सवेरे उठो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करो, घर में जो आपके ठाकुर जी हैं नहलाओ, लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को नहलाओ, शंकर जी आपके घर में हैं तो शिव जी को नहलाओ, और नहलाते हुए उनकी पूजा आरती करते, जो आपके घर में देवी देवता जिनकी आप पूजा करते हैं भाई उनकी आप सेवा वंदना करो, हाथ जोड़ के पूरा स्नान ध्यान कराओ, पुष्प चढ़ाओ, ठाकुर शंकर जी हैं तो बिल्व पत्र चढ़ाओ, भगवान श्री मन्नारायण हैं तो उनको तुलसी चढ़ाओ, है ना, गणेश जी हैं तो दूर्वा चढ़ाओ, और चढ़ाकर उनकी स्तुति वंदना आरती करो, है ना, भगवान का स्तुति करो भगवान की। कुछ ना आवे तो हिंदी में यूं ही कहो कि हे नाथ हम बड़े पापी हैं, हम बड़े अधम हैं, नीचे हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, नाथ अभागे हैं, कुटिल हैं, हे नाथ हमें स्वीकार करो, हे श्रीमन्नारायण हमें स्वीकार करो, हे भोले भंडारी हमें स्वीकार करो। जिन में आपकी श्रद्धा है उनका आप स्मरण कीजिए, आपकी श्रद्धा राम जी में है तो कहिए हे श्री राम जी, हे प्रभु हमें स्वीकार करो, श्रद्धा आपकी कृष्ण में है तो हे श्री कृष्ण भगवान हमें स्वीकार करो, आपकी श्रद्धा नारायण में है तो हे श्रीमन नारायण, आपकी श्रद्धा शिव जी में है तो हे भोलेनाथ हमें स्वीकार करो, हमारा अपराध क्षमा करो, हे नाथ हमें स्वीकार करो। ऐसी प्रार्थनाएं करके अपने आप को भगवान के हवाले कर देना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, और समर्पण करने के बाद आप वहां से उठकर भगवान का स्मरण करके फिर आप जो भी काम धाम करें वो भी काम धाम इस भाव से करें, अगरबत्ती सवेरे दो जलाना ये ठीक नहीं है तो ठीक क्या है, आप कोई भी काम करें काम करते हुए यही भाव बनाएं कि हे नाथ जो ये हो रहा है, हे प्रभु, हे श्रीमन्नारायण, ये सब आप ही कर रहे हैं, हम करता नहीं है, करता तो भगवान है, हमारे कन्हैया ही सब कुछ कर रहे हैं, हम अपने आप जो अपना कर्तापन है वो आप हटाकर भगवान को कर्ता बनाकर यदि आप करते हैं तो फिर वो काम करना भी भक्ति है। जैसे माताएं भोजन बनाती हैं तो आप भोजन किसके लिए बनाती हो मैया, बोलो मेरी माँ, मैया जी नींद आए बता देना, आप भोजन किसके लिए बनाती हैं? यदि आप कहें कि हम भोजन अपने बच्चों के लिए बना रही हैं, हम भोजन अपने पति के लिए बना रही हैं, तो ये भोजन बनाना गलत है। भोजन करेंगे आपके पति और आपके बच्चे ही, पर भाव ये हो कि हम ये भोजन अपने भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमन नारायण के लिए भोजन बना रहे हैं, अपने भोले भंडारी के लिए भोजन बना रहे हैं, जो भी आपकी श्रद्धाएं भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भोजन भगवान के लिए बन रहा है, इस भाव से भोजन बनाइए, फिर देखिए आपका जीवन कितना परिवर्तन। फिर आपका भोजन बनाने में यदि एक घंटा खर्च हुआ तो वो एक घंटा भी भक्ति में ही जुड़ेगा, क्योंकि आपने भगवान के लिए भोजन बनाया। झाड़ू लगा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हम अपने घर में झाड़ू, हे नाथ ये घर तो आपका है और ये आपका पूरा घर भगवान के लिए, आपके लिए मंदिर है वो पूरा घर भगवान का है, ये सोच के हम तो भगवान के घर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगाने से भी पुण्य मिलेगा, वो भी भक्ति है, क्योंकि आप अपना मान के करेंगे तो फिर वो पाप पुण्य आपका है। यदि भगवान का मान के यदि आप कहें कि ये घर भगवान का है और भगवान के घर में हम झाड़ू लगा रहे हैं तो उस झाड़ू में कोई चीटी वीटी भी मर जाएगी तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने लिए थोड़ी कर रहे थे, आप तो भगवान के लिए कर रहे हैं, तो आपकी भावनाएं आपको पापों से भी बचाएंगी। कुल मिला के अपने आप को समर्पित कर देना है भगवान के श्री चरणों में, यही भगवान को पाने का इस कलि काल में एकमात्र सरल साधन है।